दमा, फेफड़ा कैंसर, टीवी आदि से है परेशान तो ईमान टीवी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान शहर के रामनगर में एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी का प्रोग्राम है और देख सकते हैं यहाँ तमाम भाजपा के नेता हैं और यहाँ पे जनसंपर्क अभियान है। हम बात करते हैं भाजपा नेता धनंजय सिंह से। धनंजय जी, क्या कुछ कहेंगे आज विजय लक्ष्मी कुशवाहा का यहाँ प्रोग्राम में? कल हिना शाह का प्रोग्राम था। हमारी प्रत्याशी, एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी का हमारे वार्ड में भ्रमण है। लोगों से अपील करने आ रहे हैं कि भाई विकास के नाम पर आप हमें वोट दें। पूरे सिवान में एक ही चर्चा चल रही है कि स्वर्ण समाज किसके साथ है, एनडीए के साथ है या हिना साहब के साथ है? चर्चा अलग की बात है और वोट अलग की बात है। सवर्ण समाज बुद्धिजीवी समाज है, उसको इतना अकल, इतना बुद्धि विवेक है कि किसके साथ जाएंगे तो देश का भला होगा, किसके साथ जाएंगे तो सिवान का विकास होगा और किसके साथ जाएंगे तो विनाश होगा। कहने के लिए जवान पर कुछ है, काम कुछ और लोग करेगा। क्या लगता है किसके साथ है? हम लोग एनडीए के साथ हैं पूरी तरह से, एकदम निश्चित रूप से, कहीं इफ बट नहीं है। लड़ाई किससे रहेगी? हिना साहब है, अवध बिहारी चौधरी है, जीवन यादव भी है, किससे लड़ाई रहेगी? एनडीए के प्रत्याशी के सामने किसी से लड़ाई नहीं है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। विकास के नाम पर पूरे देश के लोग, पूरे सिवान के लोग मूड बना चुके हैं कि एनडीए के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुछ बिल्कुल होगा। क्या अपील करेंगे जनता से? लोगों से ये अपील करेंगे कि सिवान के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए आप एनडीए की प्रत्याशी, जदयू की प्रत्याशी श्रीमती विजय लक्ष्मी कुशवाहा को तिरछाप पर आने वाले 25 तारीख को बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। चलिए, धनंजय सिंह है, पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भाई भी है और भाजपा नेता है, क्या कुछ कहेंगे आज? देखिए, प्रभात फेरी के माध्यम से हम लोग जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में हम लोग आज रामनगर में घर घर डोर टू डोर कैंपेन करा रहे हैं और ये चुनाव देश की दिशा को तय करेगा। हमने 10 साल में मोदी जी की अगुवाई में जो काम किया है उसके बल पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आप कह रहे हैं देश की दिशा को तय करेगा, विपक्ष कह रहे हैं संविधान को खत्म करेगा। संविधान को खत्म कहने से कुछ नहीं होता है, लोकतंत्र है, इसमें सब लोग अपनी बात को रखते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो इस संविधान को सबसे ज्यादा अगर किसी ने टॉर्चर किया है तो वो कांग्रेस है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उस लोकतंत्र के मंदिर में जो पहली बार आए थे तो उन्होंने सांठा दंडवत करके, तो उनके दिल में संविधान के प्रति श्रद्धा है और कांग्रेस शुरू से संविधान को चकनाचूर किए है, उसकी आस्था पे प्रहार किया है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, वो शुरू से संविधान को अपने दिल में लेके चलते हैं। लड़ाई किससे रहेगी? लड़ाई किसी से नहीं है, छोटी नहीं, नहीं कोई किसी से लड़ाई नहीं। हम लोग तो 400 पार है, जो 400 पार एकदम पर जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा। आप देख ही रहे हैं, जब हम लोग का प्रभात फेरी निकल रही है तो लोगों, जो घर में महिलाएं हैं वो मेरे प्रत्याशी को माला से स्वागत कर रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो अभी चुनाव है, मेरे अभी बोल रहा जा रहा है कि मतलब आपका ये जदयू कहती है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ, देश को प्रधानमंत्री संवारा ना तो बिहार को नीतीश कुमार ने संवारा है, ये सबके जान में होना चाहिए। नीतीश कुमार जी तो पलटू राम भी कहा जाते हैं, देखिए पलटने के नहीं, जनता तो यही करेगी कभी पलट जाएंगे, मोदी जी के नाम पे वोट दीजिएगा पलट जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी कोई बहकाव में आ जाता है, उसको बहका लिया जाता है, बाकी जब उसको समझ में आता है ना कि मैं बहक रहा हूँ और मेरी छवि खराब हो रही है, तो फिर वो आके अपने घर में वापसी कर लेता है। वही नीतीश कुमार जी अपना की है, फिर उनकी छवि देखिए फिर अच्छी हो रही है। चलिए, पूर्व वार्ड पार्षद राजन साहब भी है, राजन जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा मिल रहा है लोगों का?
एकदम बढ़िया है, पूरे हिंदुस्तान में कोई लड़ाई में नहीं है कहीं भी। ये प्रधानमंत्री के देन है, कोई इधर उधर नहीं करेगा। जो भी आएगा जीत के जाएगा, उनको प्रत्याशी उनको नाम पर दे जीत के जाएगा। मुकेश कुमार बंटी जी, क्या लगता है कि जीत होगी? जीत तो 100% तय है मोदी जी के नाम पर, मोदी जी और नीतीश जी के नाम पर। हम लोग डोर टू डोर जाके प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहे हैं। लोग तो खुद हम लोगों को कह रहे हैं कि मोदी जी का विकास बोल रहा है, जो अन्य योजना है लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है। गरीब तबका में जाइएगा तो लोग सीधे एक नाथ स्वर से नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है। आने वाले 25 तारीख को सबसे पहले जो मतदान करें तीर का बटन दबाएंगे, और 4 तारीख को ऐतिहासिक जीत होगा सिवान में, जो कभी नहीं हुआ था। कुछ इधर महिला नेत्री भी है, महिला अध्यक्ष है भाजपा की, क्या को कहेंगे? लगातार आप चुनावी जनसंपर्क में हैं, किस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स? पहले तो आप मीडिया प्रभारी हैं, चौथा स्तंभ हैं हमारे देश की, और मैं पहले आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि 25 मई को घर से एक एक अपना मत जाके मतदान केंद्र पे मत का प्रयोग करें, और 4 तारीख को अच्छा से अच्छा रिजल्ट हम लोग को काफ़ी बहुमत से ये जीते। रहा सवाल कि सरकार के कांग्रेस के जमाने में जब मनमोहन जी को अपना कुर्सी ही नहीं पहचान पाए कि मुझे कौन सी कुर्सी पर बैठना चाहिए, आप ही लोग दिखाने वाले हैं कि सर आपकी कुर्सी, सर आपकी कुर्सी, है ना? तो क्या वो देश चला अस एथी से स्टेपनी से देश नहीं चलता है? इस बार तो राहुल गांधी डायरेक्ट उम्मीदवार, राहुल गांधी का उतना तजुर्बा है, आप लोग भी दिखाने वाले। काफी दिनों से राजनीतिक में है, राजनीतिक परिवार से है। परिवार से है वो बात अलग है, लेकिन वो देख रहे हैं कि संसद में वो कैसे वार्तालाप कर रहे हैं, वो अपने सिस्टर को किस ले रहे हैं, कहीं ऐसा भी है हमारे अश्लीलता पर जो है नहीं हुआ। रहा सवाल मोदी जी का, तो मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर कंट्री के वो एक फैन हो गए हैं। हाँ, और इनके मोदी जी के रीजन में हमारी महिला सशक्तिकरण को जो है काफ़ी हम लोग देख ही रहे हैं कि 33% आरक्षण में हमारी महिलाएं निकल रही हैं, हमारी महिलाएं बाजार कर रही हैं, हमारी महिलाएं बच्चों को ले जा रही हैं स्कूल वगैरह। महिला प्रत्याशी की बात कर रही है हिना साहब, भी तो महिला, वो भी लगातार देखिए उस पर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। महिला प्रत्याशी हैं, अपना अपना लोकतंत्र है, अपना अपना लड़ाई लड़ना है, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी प्रत्याशी जो है अच्छी हैं, और हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग केंद्र का नेतृत्व कर रहे हैं, बिहार में मोदी सरकार नीतीश जी का नेतृत्व कर रहे हैं, नीतीश जी के कामकाज से जो है बहुत लोग खुश हैं। और रहा सवाल कि रोड नाला ये सब केंद्र का है, तो केंद्र हमारी बहुत मजबूती से सब कुछ किया है, है ना? और हम चाहेंगे कि तीसरी बार भी हमारे प्रधानमंत्री उससे ज़्यादा वोट लेके 400 से पार करके आए, है ना? और जो है हम लोग उनके हाथों को मजबूत करें, और आप देख ही रहे हैं जो हम लोग स्वतंत्र हैं और सीमान को नहीं चाहते हैं कि उस दहशत में जाए, व्यवसायी वर्ग हो या आम पब्लिक हो, अच्छे से अपना जो भी एक पैसा कमाए, लेकिन अच्छे से कमाए, सुरक्षित जाए, अपने घर जाए आए और अपना काम काज में लगे।